Realme C11 के कुछ हिडन फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर आपने फ़ोन खरीद रखा है तो, यह आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पर टच करेंगे, टच करते ही काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। नीचे चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विजिट्स का। विजिट्स क्या होते हैं, जैसे टाइम हो गया, SMS हो गया, कैलेंडर हो गया, वो अलग अलग आकृति में दिए होते हैं जिसको आप ड्रॉप डाउन करके अपनी स्क्रीन पर ले जाके लगा सकते हैं। इससे आपका फ़ोन जो है काफ़ी यूनिक दिखने लगेगा। और जब किसी विजिट्स को आपको डिलीट करना है तो दोबारा से स्क्रीन पर टच करेंगे तो जितने भी विजिट्स होंगे सब पे क्रॉस का निशान आ जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो विजिट्स डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप नए नए विजिट्स लगा सकते हैं। और विजिट्स फ़ोन के अंदर ही दिए गए होते हैं, या आप कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उसका भी विजिट्स बन जाता है। तो यहाँ पर फिर से टच करेंगे और विजिट्स पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने तरह के विजिट्स हैं। कई बार कई ऐप्स ऐसे होते हैं उनके भी विजिट्स होते हैं, जैसे म्यूजिक प्लेयर होता है उसका भी विजिट्स होता है। तो यहाँ पे कैलेंडर का विजिट्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसको ले जाके स्क्रीन पे लगाना है। जो भी विजिट्स आप लगाएं स्क्रीन पे उतनी जगह होनी चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक एक आपकी स्क्रीन पे परमानेंट कैलेंडर लग गया। विजिट्स वो होते हैं जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसको आपको फ्रंट स्क्रीन पे ही रखना होता है। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं वॉलपेपर का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग तरह के वॉलपेपर हैं Realme C11 की तरफ से। मोर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको और सारी चीज़ देखने को मिलेगी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले से ही इतने अच्छे अच्छे वॉलपेपर दिए हुए हैं जो काफ़ी कमाल के, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वॉलपेपर के ऊपर वो वॉलपेपर अपने आप स्क्रीन पर लग के आपको दिखाई देने लगेगा कि लगने के बाद ये कैसा दिखेगा। और ये टच करते ही सेलेक्ट हो गया, लग गया, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। तीसरी चीज है इफेक्ट। इफेक्ट में क्या होता है, जितने भी एप्स हैं वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं आपकी स्क्रीन पर वो दिखाई देता है। ये डिफॉल्ट है, ये क्यूब में मूवमेंट होगा। आगे और विजिट्स हैं, ये देखिए तीन और हैं, ये फ्लिप में होगा, इस तरह से विजिट्स मूव करेंगे, सॉरी एप्स। और ये अगर आप इसे बदलना चाहें तो आप कितनी बार भी बदल सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री होते हैं। और Realme के लेटेस्ट UI वाली चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस फ़ोन में Realme का लेटेस्ट UI 1.0 दिया गया है। तो इस तरह से आप विजिट्स लगा सकते हैं और अपने फ़ोन को यूनिक बना सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन है सेटिंग का है, दोस्तों ये नॉर्मल सेटिंग नहीं है, ये यहाँ से ही जब जाते हैं सेटिंग में तो अलग ऑप्शन पे सेटिंग में जाते हैं, और एक फ़ोन के अंदर जो ऐप्स दिया होता है सेटिंग का वो अलग होता है। तो यहाँ से आप स्क्रीन पर दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्क्रीन पर जितने भी विजिट्स हैं, ऐप्स हैं, उसका मूवमेंट अलग अलग तरीक़ों से हो ताकि आपका फ़ोन यूनिक दिखे। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। आप जैसे विजिट्स का साइज़ बड़ा है और छोटा करना है 4:6 में, उसमें ज़्यादा ऐप्स आ जाएंगे तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेट थीम है, सेट वॉलपेपर है, सेट आइकन स्टाइल है, ये डिफ़ॉल्ट टेप टू लॉक है, दो बार टेप करेंगे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। टेप का मतलब दो बार अपने उंगली से क्लिक करना है खाली जगह पे तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पसंद ये, तो दोबारा से मुझे सेटिंग में जाना है, पहले स्क्रीन को टच करना है फिर सेटिंग में जाना है और यहाँ से लॉक हटा देना है, डबल टेप वाला, ये मैंने बंद कर दिया। तो इस तरह से यहाँ से कोई भी चीज़ चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक एक चीज़ आप जब करके अपने आप से देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी। इस तरह से ही चालू करना है, इस तरह से ही बंद करना है, कोई चीज़ नहीं पसंद आए तो उसको बंद कर दीजिए। अब यहाँ से दूसरी सेटिंग में चलते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन दिया होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है साइन इन का, जो कि हर कंपनी के डिवाइस में होता है। तो यहाँ पर हेयर टेप है और इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी से साइन इन करना है,
अकाउंट क्रिएट करना है Realme के पोर्टल पे, और यहाँ से आपको कुछ चीज़ें यूनिक दिखने को मिल जाएंगी। इसके बाद सेटिंग में जितने ऑप्शन होते हैं सभी फ़ोनों में वो हैं, कुछ ऑप्शन यहाँ पे अलग हैं। ये नोटिफिकेशन बार है जो उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा पासवर्ड है और फेस अनलॉक है, तो सेट स्क्रीन पासवर्ड कर सकते हैं, या प्राइवेसी पासवर्ड पैटर्न लॉक लगा सकते हैं, या फेस अनलॉक भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी तीन ऑप्शन है यहाँ पे, ऐप लॉक का भी ऑप्शन है, किड लॉक का भी ऑप्शन है, और पेरेंटल कंट्रोल भी है, यानी आपका बच्चा आपका फ़ोन लेके खेलता है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ से ऐड फेस कर सकते हैं। ये ऐप लॉक है किड, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको चालू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी अगर गलत, आप सोच रहे होंगे कि गलत चालू करेंगे तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे चालू होगा वैसे ही बंद भी कर सकते हैं आप सेटिंग में आके। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, तो यहाँ से अगर आपने फ़ोन बच्चे को दे रखा है और आप चाहते हैं इस फ़ोन का पूरा कंट्रोल आपके पास रहे, आप मेल आईडी में देख पाएँ, तो यहाँ से सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ है, आप खुद खोल के देखेंगे, करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसके अलावा ऐप क्लोनर है, ऐप क्लोनर मतलब अगर आप एक ऐप्स है और दो, एक फेसबुक है ऐप और दो चलाना चाहते हैं तो दो बना लीजिए फेसबुक, इस तरह से दोनों में अलग अलग अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। ये गेम स्पेस है दोस्तों, जैसे सभी फ़ोनों प्रीमियम फ़ोनों में गेम टर्बो आता है, गेम के लिए अलग फीचर आता है, आपका फ़ोन गेम को अलग तरीके से कंट्रोल करता है और आपके एक्सपीरियंस को अच्छा कर देता है, तो उस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। ये Realme लैब है, यहाँ जब भी कोई लेटेस्ट UI आएगा, उसका बीटा वर्जन टेस्टिंग आएगा, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आप यहाँ से आसानी से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किसी भी अपडेट के आने से पहले उसका मज़ा ले सकते हैं और उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे गेम स्पेस काफ़ी अच्छी चीज़ है जो इतने सस्ते डिवाइस में दी गई है। दोस्तों अगर आपके फ़ोन की लैंग्वेज चेंज करनी है, हिंदी इंग्लिश मराठी कन्नड़ तेलुगु, तो यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज में, इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ हिंदी में करना है तो मैंने सेलेक्ट करके डन कर दिया चेंज टू हिंदी। थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे मैं स्क्रीन पे इस तरह कर रहा हूँ, लेकिन अभी वो अंदर से थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि वैसे देखा जाए तो डिवाइस थोड़ी सी स्लो है ये। अब ये सारी चीज़ें ऑप्शन हिंदी में हो जाएंगे और कुछ इंग्लिश में होंगे, तो उसका थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत से लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती और पहली बार फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में उनको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब दोबारा से मुझे तो भाषा और क्षेत्र में जाएंगे और फिर से मैं लैंग्वेज यानी भाषा चेंज करूँगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इंग्लिश में यूनाइटेड किंगडम या US यूनाइटेड स्टेट कोई सा भी सेलेक्ट कर दें, यही इंग्लिश हमारे यहाँ चलती है, तो यहाँ पर ये मैंने बदल दिया। तो अब लैंग्वेज बदल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और जितनी चीज़ नहीं बदली होंगी वो कुछ देर बाद आप फ़ोन ऑन करेंगे तो अपने आप ही चेंज होती रहेंगी बैकग्राउंड में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ दी हुई है गेम स्पेस, और पेरेंटल लॉक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, फेस अनलॉक भी है, और विजिट्स और वॉलपेपर काफ़ी यूनिक हैं प्रीमियम फ़ोन की तरह, तो उसका आप मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन की बस यही थोड़ी सी बुराई है कि ये फ़ोन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अगली जब अपडेट आएगी तो शायद आपका फ़ोन फास्ट हो जाए। और दूसरी बुराई ये है कि इस फ़ोन में कैमरा कलर जितने भी होते हैं उसको कुछ कुछ चेंज कर देता है, अच्छा कलर नहीं देता वीडियो में या फोटो में, तो शायद अगली अपडेट आने पे वो ठीक हो जाए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।